चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल सीजन 2022 का मैच नंबर 22 खेला गया और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना जीत का खाता भी खोल लिया। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी का निमंत्रण सीएसके को दिया, लेकिन पूरी तरीके से बेंगलोर पर यह फैसला उल्टा पड़ गया। और आपको बता दें कि चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 216 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 217 का आरसीबी को टारगेट दिया। इस मैच में जो हीरो रहे उनकी बातचीत करें तो सबसे पहले हीरो रहे रॉबिन उथप्पा। ओपनिंग बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 9 छक्के लगाए। इसी के साथ शिवम दुबे भी चेन्नई सुपर किंग्स के हीरो रहे। उन्होंने 46 गेंदों में 95 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 5 चौके 8 छक्के उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाए। वह अपने शतक से केवल 5 रन से चूके। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने आईपीएल इतिहास की तीसरे विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी की। 165 रन की पार्टनरशिप हुई जिसके बदौलत ही सीएसके 216 रन बना पाया। इसके अलावा बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पारी के दौरान कौन से खिलाड़ी हीरो रहे, तो उनमें सबसे बड़े हीरो रहे महिषा तीक्ष्णा। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज और श्रीलंकाई गेंदबाज महिषा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 33 रन देकर 4 अहम विकेट लिए। महिषा ने फाफ डु प्लेसिस, अनुज रावत और साथ ही साथ शहबाज अहमद के साथ सुयश प्रभुदेसाई को भी आउट किया। इसके अलावा कप्तान रविंद्र जडेजा भी मैच के हीरो रहे। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 39 रन देकर के 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने ग्लेन मैक्सवेल, वानिंदु हसरंगा और आकाशदीप का विकेट लिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा बेंगलोर की तरफ से एकमात्र हीरो रहे शहबाज अहमद। उन्होंने 27 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान 4 चौके लगाए। पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन वह महिषा तीक्ष्णा की बॉल पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और बेंगलोर यह मुकाबला 23 रनों से हार गया। आप क्या कुछ सोचते हैं बेंगलोर और चेन्नई के इस मैच के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।